तो दोस्तों, अगर आप एक सच में अच्छा सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डे सेल कब आए, दोस्तों आप अगर बिग सेविंग डे सेल का वेट कर रहे हैं कि आपको ये जनवरी महीने में कब देखने को मिलेगी, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि बिग सेविंग डे सेल कब देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर, और इसकी डेट क्या होने वाली है। यहाँ पर इसकी बैंक ऑफर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आप लोग अगर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिएगा, जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकें। वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, और लास्ट में आपको जो भी डाउट आपके मन में रह जाए आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके उस कमेंट को देख करके आपकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बता देता हूं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमेजन और फ्लिपकार्ट के रिलेटेड नई नई सेल के बारे में जानने के लिए, बड़ी बड़ी डील्स एंड डिस्काउंट के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि मैं ऐसी जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को भी देख पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग पहले भी यहाँ पे वेट कर रहे थे कि फ्लिपकार्ट पर नए वर्ष के शुभ अवसर पर आपको न्यू ईयर सेल देखने को मिलेगी, लेकिन आप लोगों को न्यू ईयर सेल देखने को नहीं मिली। उसके बदले आपको यहाँ पे पोको डे सेल और रियलमी के स्मार्टफोन के नाम के आगे यहाँ पे रियलमी डे सेल, इस तरह के दो तीन सेल देखने को मिले, जहाँ पर आपको आपके स्मार्टफोन आपके प्रोडक्ट पर अच्छे खासे डिस्काउंट भी देखने को न मिले। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे हैं कि हमें बिग सेविंग डे सेल कब देखने को मिलेगी और उसी सेल में अपने प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे। और यहाँ पर बिग सेविंग डे सेल में आप सभी जानते हैं कि स्मार्टफोन को लेकर के और भी काफ़ी सारे जितने भी कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, आपको हर एक प्रोडक्ट पर अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास बैंक ऑफर रहता है या फिर यहाँ पे आपको कभी कभी एक्सचेंज ऑफर भी देखने को मिलता है और प्रीपेड ऑफर भी देखने को मिलता है, तो ये सब मिला करके आपको कभी कभी 7 से 8 हज़ार का भी डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है, अगर आप एक अच्छे प्राइस वाले स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, यानी महंगे स्मार्टफोन को परचेज करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं कि बिग सेविंग डे सेल कब देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, जिससे मैं नई भी वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि फ्लिपकार्ट पर जो बिग सेविंग डे सेल है, इसकी डेट यहाँ पे अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मैं अपने अंदाजे के अनुसार बताऊं, यहाँ पे 7 तारीख को हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए। 7 से 10 तारीख के बीच में आपको ये सेल देखने को मिल जाएगी फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे, और आप लोग अपने मन मुताबिक प्रोडक्ट जो भी परचेज करने की सोच रहे हैं आप उस सेल में परचेज कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो बैंक ऑफर्स देखने को मिलने वाली है, हो सकता है कि SBI या फिर एक्सिस बैंक के ऑफर्स देखने को मिल जाए। दोस्तों, इन दोनों बैंक के क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास हैं तो आप समझ जाइए कि आपके स्मार्टफोन आपके प्रोडक्ट जो है अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ आप ले पाएंगे। तो क्या करना है, आपको उस समय अपने इस क्रेडिट कार्ड को तैयार करके रखना है। दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई चेंज होती है, कोई भी नई अपडेट यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो डेट भी है कंफर्म नहीं है, तो जैसे भी कोई अपडेट आती है कि इसकी बैंक ऑफर यहाँ पे चेंज हो गए हैं और यहाँ पे इसकी डेट भी कंफर्म नहीं है, ये चेंज हो गई है, तो हम आपको तुरंत वीडियो बना के अपडेट करेंगे। या फिर हो सकता है कभी कभी बिग सेविंग डे सेल देखने को नहीं मिलती, उसके बदले आपको कोई और सेल देखने को मिल जाती है, उस सेल में भी आपको काफ़ी तगड़े डिस्काउंट मिलते हैं, क्योंकि इसके स्थान पर ये दूसरा सेल कराया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट पर अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या कुछ लेना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा स्मार्टफोन है, तो काफ़ी सारे भाई हमें यहाँ पे पोको का M4 Pro 5G स्मार्टफोन परचेज करने के बारे में बोल रहे थे, कमेंट में किए थे, और लोग सोचते हैं कि हम कमेंट का आंसर नहीं देते हैं, लेकिन कमेंट में आप लोग के मैं अगर हट दे दिया तो समझ जाइए कि आपका कमेंट यहाँ पे पिक हो चुका है, और आपके कमेंट के अनुसार मैं नई वीडियोज में आपको यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स पर डील्स एंड डिस्काउंट देखने को मिलने वाली है उसके रिलेटेड ही मैं बात करने रहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि पोको का M4 Pro 5G स्मार्टफोन लेने चाहते हैं काफ़ी लोग, और यहाँ पे सैमसंग का 15 है इस तरह का कुछ है, उस पर भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, और कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं जिस पर डिस्काउंट कम देखने को मिला है, यहाँ पे चांस तो कम है, लेकिन आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है बैंक ऑफर का तो आप समझ जाइए कि आपके स्मार्टफोन पर डिस्काउंट अच्छे खासे मिल जाएंगे। और यहाँ पर रियलमी के जो भी स्मार्टफोन है उस पर तो हो सकता है कि प्रीपेड ऑफर भी देखने को मिले, तो प्रीपेड ऑफर आप मिलाएंगे तो प्रीपेड ऑफर में आपको क्या होता है कि जब आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हैं, किसी भी बैंक ऑफर के थ्रू परचेज करते हैं, पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलता है, 2 से 2.5 हज़ार का भी डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस तरह से आपको मैंने बता दिया कि फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डे सेल कब देखने को मिलेगी, बैंकिंग ऑफर्स क्या रहने वाला है, और इसकी डेट्स के बारे में भी मैंने बता दिया। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर लेना। मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी चल रही है, तो आपको इस चैनल के नीचे, इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, जिससे मैं समझ सकूं कि आपके मन में ये डाउट है और आपके रिलेटेड कुछ जो भी
क्वेश्चन आपको बता सकूं, यहाँ पे आंसर देने की नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश कर सकूं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अमेजोन की सेल के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैंने अमेजोन की सेल के बारे में बताया है। यहाँ पे अपकमिंग सेल कौन कौन सी देखने को मिलने वाली उसके बारे में वीडियो बना रखी है, आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन या फिर आई कार्ड में वीडियो लगा दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं जहाँ पे आपको अमेजोन की सेल में ही डिस्काउंट मिलते हैं, जैसे वन प्लस का जो नॉर्ड CE2 लाइट है, इस तरह के स्मार्टफोन कुछ भाई कमेंट किए थे, इस पर आपको अमेजोन की सेल में अच्छे खासे डिस्काउंट मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं कि ये अमेजोन पहले से यहाँ पे बहुत पुराना जो ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है, इस पर आपको अच्छे खासे डिस्काउंट कभी कभी कुछ अलग स्मार्टफोन पर डिस्काउंट देखने को मिलता है। वन प्लस जैसे आईफोन हो गए, इस तरह के स्मार्टफोन पर अच्छे खासे डिस्काउंट अमेजोन पर भी देखने को मिलता है और यहाँ फ्लिपकार्ट पर भी देखने को मिल जाता है। तो आप लोग फ्लिपकार्ट पर ज़्यादा शॉपिंग करते हैं या फिर अमेजोन पर, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं नई वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट पर ज़्यादा बेटर है या फिर अमेजोन पर, तो उसके बारे में आप लोग की क्या राय है नीचे कमेंट करके वोटिंग करिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, आपके मन का जो डाउट भी होगा वो क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक ये दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।